हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ्लॉप और डिजास्टर मूवीज किसने दिए हैं। व्यूअर, वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इसी सिलसिले के हिट किंग ऑफ बॉलीवुड और इसके अलावा ब्लॉकबस्टर किंग ऑफ बॉलीवुड और सक्सेस रेशो के हिसाब से कौन किंग रहा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, उन वीडियोस को आपने पसंद किया। आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ही व्यूअर की विश पर आज की ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ्लॉप और डिजास्टर मूवीज किसने दी हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 50 दिग्गज एक्टर्स को हमने आज की इस वीडियो में सेलेक्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश भी आप तमाम व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमारी असल अर्निंग है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चले फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो इवर आज की इस वीडियो में जो एक्टर टॉप 10 फ्लॉप और डिजास्टर मूवीज़ की लिस्ट में से बाहर होंगे उनके फैंस को खुशी महसूस करनी चाहिए कि उनके सुपरस्टार या स्टार एक्टर ने कम से कम फ्लॉप और डिजास्टर मूवीज़ दी हैं। जितने ही नीचे नंबरों पर वो एक्टर होंगे उतने ही उनके फैंस के लिए अच्छी बात होगी। और व्यूअर, यहाँ पर भी हमने ये रूल अप्लाई किया है कि किसी भी एक्टर को कम अज़ कम 20 मूवीज़ से ज़्यादा करनी ज़रूरी होंगी। तो 20 से कम मूवीज़ वाले एक्टर्स को आज की इस लिस्ट में हमने ऐड ही नहीं किया है। तो फ्रेंड, 50 एक्टर की इस लिस्ट में 50 नंबर पर आते हैं ऋतिक रोशन जिन्होंने 24 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 7 मूवीज़ फ्लॉप और डिज़ास्टर रही हैं 2। तो इस हिसाब से उनकी टोटल फ्लॉप और डिज़ास्टर मूवीज़ की तादाद बनती है 9। नंबर 49 पर आते हैं ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार सर जिन्होंने 58 मूवीज़ में 10 मूवीज़ फ्लॉप दी हैं और उनकी टोटल 10 फ्लॉप मूवीज़ ही हैं। नंबर 48 पर आते हैं जॉय मुखर्जी जिन्होंने 31 मूवीज़ में 13 फ्लॉप और 1 डिज़ास्टर दी है तो उनकी टोटल मूवीज़ की तादाद बनती है फ्लॉप और डिज़ास्टर की 14। नंबर 47 पर आते हैं आमिर खान जिन्होंने 42 मूवीज़ में 10 मूवीज़ फ्लॉप और 5 डिज़ास्टर दी है तो इस तरह फ्लॉप डिज़ास्टर की उनकी टोटल तादाद बनती है 15। और नंबर 46 पर आते हैं मनोज कुमार सर जिन्होंने 54 मूवीज़ में काम करके 15 मूवीज़ फ्लॉप और सिर्फ 1 मूवी डिज़ास्टर दी है तो इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप और डिज़ास्टर बनती है 16। नंबर 45 पर आते हैं संजय खान जिन्होंने 38 मूवीज़ में काम करके 16 मूवीज़ फ्लॉप दी हैं और यही उनकी टोटल तादाद भी बनती है। और व्यूअर, नंबर 44 पर आते हैं शाहिद कपूर जिन्होंने 29 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 14 मूवीज़ फ्लॉप और 2 डिज़ास्टर रही तो इस हिसाब से उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर बनती है 16। नंबर 43 पर आते हैं तुषार कपूर जिन्होंने 32 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 7 मूवीज़ फ्लॉप और 10 मूवीज़ डिज़ास्टर रही तो इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 17। नंबर 42 पे आते हैं रणधीर कपूर जिन्होंने 42 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 15 मूवीज़ फ्लॉप और 3 डिज़ास्टर रही तो इस तरह उनकी टोटल तादाद बनती है 18। और व्यूअर, 41 नंबर पर आते हैं कुमार गौरव जिन्होंने 22 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 17 मूवीज़ फ्लॉप और 1 डिज़ास्टर रही है तो इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 18। और व्यूअर, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुमार गौरव से लेकर ऋतिक रोशन तक इन्होंने कितनी मूवीज़ की, कितनी फ्लॉप और कितनी डिज़ास्टर मूवीज़ दी हैं और उनकी टोटल फ्लॉप और डिज़ास्टर की तादाद कितनी है, ये स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा। और व्यूअर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो नंबर 40 पर हैं रितेश देशमुख जिन्होंने 42 मूवीज़ पर काम किया जिनमें से उनकी 8 मूवीज़ फ्लॉप और 11 डिज़ास्टर रही तो इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 19। नंबर 39 पर है फरदीन खान जिन्होंने 25 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 10 मूवीज़ फ्लॉप और 9 डिज़ास्टर रही और इनकी तादाद भी 19 बनती है। नंबर 38 पर आते हैं विवेक ओबराय जिन्होंने 33 मूवीज़ में काम किया, 11 मूवीज़ फ्लॉप, 9 डिज़ास्टर रही, टोटल तादाद बनती है 20। नंबर 37 पर आते हैं किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान जिन्होंने 62 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 17 मूवीज़ फ्लॉप और 4 डिज़ास्टर रही तो इनकी टोटल तादाद बनती है 21 यानी 21। और इसी के साथ नंबर 36 पर है राज कपूर सर जिन्होंने 62 मूवीज़ में काम किया, 19 मूवीज़ फ्लॉप और 2 डिज़ास्टर दी हैं तो इसी तरह उनकी भी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 21। नंबर 35 पर आते हैं जॉन अब्राहम जिन्होंने 42 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 14 मूवीज़ फ्लॉप और 10 डिज़ास्टर रही है तो इस तरह उनकी तादाद बनती है 24। नंबर 34 पर आते हैं इमरान हाशमी जिन्होंने 39 मूवीज़ में काम किया जिनमें उनकी 12 मूवीज़ फ्लॉप और 13 डिज़ास्टर रही है तो इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप और डिज़ास्टर मूवीज़ की तादाद बनती है 25।
नंबर 33 पर आते हैं फेरोज खान, जिन्होंने 61 मूवीज में काम किया जिसमें से उनकी 26 मूवीज फ्लॉप रही है। कोई डिजास्टर नहीं रही, उनकी टोटल फ्लॉप डिजास्टर की तादाद भी 26 बनती है। और वीवर नंबर 32 पर आते हैं सुनील दत्त साहब, जिन्होंने 99 मूवीज़ में काम करने वाले इस एक्टर ने 22 मूवीज़ फ्लॉप और 5 डिज़ास्टर दी हैं, तो इस हिसाब से उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 27। और वीवर नंबर 31 पर आते हैं राजेंद्र कुमार सर, जिन्होंने 72 मूवीज़ में 27 फ्लॉप दी हैं और कोई डिज़ास्टर नहीं दी, और उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 27। और वीवर नंबर 30 पर आते हैं राजकुमार सर, जिन्होंने 57 मूवीज़ में 25 फ्लॉप और 2 डिज़ास्टर दी है, तो इस तरह राजकुमार सर की टोटल तादाद भी बनती है 27। और व्यूअर अभी आप स्क्रीन पर राजकुमार सर से लेकर रितेश देशमुख तक इन स्टार एक्टर ने कितनी मूवीज़ की, कितनी फ्लॉप, कितनी डिज़ास्टर दी और उनकी फ्लॉप डिज़ास्टर की टोटल तादाद कितनी है, ये आप स्क्रीन पर आराम से देख पा रहे होंगे। और व्यूअर नंबर 29, नंबर 29 पर हैं अभिषेक बच्चन, जिन्होंने 46 मूवीज़ में काम किया, 14 मूवीज़ फ्लॉप और 12 डिज़ास्टर दी, टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 26। नंबर 28 पर हैं बॉबी देओल, जिन्होंने 41 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 13 मूवीज़ फ्लॉप और 14 डिज़ास्टर रही, टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 27। नंबर 27 पर हैं अर्जुन रामपाल, जिन्होंने 37 मूवीज़ में काम किया, 16 मूवीज़ फ्लॉप और 13 डिज़ास्टर दी, टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 29। नंबर 26 पर आते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान भाईजान सलमान खान, जिन्होंने 81 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 24 मूवीज़ फ्लॉप और 11 डिज़ास्टर रही और टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 35। और व्यूअर नंबर 25 पर आते हैं सैफ अली खान, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इस नवाब ने 61 मूवीज़ में काम किया, 61 मूवीज़ में इन्होंने 26 मूवीज़ फ्लॉप और 12 डिज़ास्टर दी, इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 38। और व्यूअर नंबर 24 पर आते हैं राकेश रोशन, जिन्होंने 77 मूवीज़ में काम किया, 33 मूवीज़ उनकी फ्लॉप और 6 मूवीज़ इनकी डिज़ास्टर रही, तो इस तरह उनकी टोटल तादाद बनी 39, यानी 39 मूवीज़ उन्होंने फ्लॉप डिज़ास्टर दी हैं। नंबर 23 पर आते हैं देव आनंद सर, जिन्होंने 114 मूवीज़ में काम किया जिनमें से उनकी 39 मूवीज़ उनकी फ्लॉप रही और 9 मूवीज़ उनकी डिज़ास्टर रही, तो उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 48, 48 मूवीज़ उनकी फ्लॉप डिज़ास्टर रही हैं। और व्यूअर नंबर 22 पर आते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना सर, जिन्होंने 123 मूवीज़ में काम किया, 44 मूवीज़ उनकी फ्लॉप और 5 डिज़ास्टर रही हैं, इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनती है 49, यानी 49 मूवीज़ उन्होंने फ्लॉप डिज़ास्टर दी है। और व्यूअर नंबर 21 पर आते हैं अजय देवगन, जिन्होंने 98 मूवीज़ में काम किया जिसमें से उनकी 33 मूवीज़ फ्लॉप और 16 मूवीज़ डिज़ास्टर रही और उनकी तादाद भी 49 बनती है। और व्यूअर अब आप स्क्रीन पर अजय देवगन से लेके अभिषेक बच्चन तक इन स्टार एक्टर ने कितनी मूवीज़ में काम किया, कितनी फ्लॉप और कितनी डिज़ास्टर दी और उनकी फ्लॉप डिज़ास्टर की टोटल तादाद क्या रही थी, ये आप स्क्रीन पर आसानी से देख रहे होंगे। और व्यूअर फ्लॉप डिज़ास्टर के एतबार से नंबर 20 पर है सनी देओल, जिन्होंने 89 मूवीज़ यानी 89 मूवीज़ में काम किया जिसमें से उनकी 32 मूवीज़ फ्लॉप, 19 मूवीज़ डिज़ास्टर रही, टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 51। और नंबर 19 पर आते हैं चंगी पांडे, जिन्होंने 76 मूवीज़ में काम किया जिसमें से उनकी 40 फ्लॉप और 12 डिज़ास्टर रही और टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 52। नंबर 18 पर है अनिल कपूर सर, जिन्होंने 112 मूवीज़ में काम किया, 37 मूवीज़ उनकी फ्लॉप, 17 डिज़ास्टर रही, इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 54, 54 मूवीज़ उनकी फ्लॉप डिज़ास्टर रही हैं। और व्यूअर नंबर 17 पर है अक्षय कुमार, जिन्होंने 120 मूवीज़ में काम किया, 37 मूवीज़ उनकी फ्लॉप रही, 18 मूवीज़ डिज़ास्टर दी और उनकी फ्लॉप डिज़ास्टर की टोटल तादाद बनती है 55, यानी 55 फ्लॉप डिज़ास्टर मूवीज़ दी हैं। 90s के एरा में काम करने वाले एक्टर्स में जिन्होंने अपना नाम बनाया, सबसे ज़्यादा फ्लॉप डिज़ास्टर मूवीज़ अक्षय कुमार ने दी हैं। और व्यूअर नंबर 16 पर आते हैं बिग बी अमिताभ बच्चन सर, जिन्होंने 153 मूवीज़ में काम किया, 33 मूवीज़ फ्लॉप, 23 मूवीज़ इनकी डिज़ास्टर रही, टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद बनी 56। नंबर 16 पर आते हैं आदित्य पंचोली, जिन्होंने 93 मूवीज़ में काम किया, 37 मूवीज़ इनकी फ्लॉप रही और इसके अलावा 19 मूवीज़ डिज़ास्टर दी, टोटल फ्लॉप डिज़ास्टर की तादाद भी बनी 56 इनकी भी।
नंबर 14 पर आते हैं शशि कपूर, जिन्होंने 140 मूवीज में काम किया, 55 मूवीज इनकी फ्लॉप और 2 मूवीज डिजास्टर रही, टोटल फ्लॉप डिजास्टर की तादाद बनी 57। और भी वर नंबर 13 पर आते हैं विनोद खन्ना, जिन्होंने 136 मूवीज में काम किया, 47 मूवीज इनकी फ्लॉप और 13 डिजास्टर रही, टोटल फ्लॉप डिजास्टर की तादाद बनी 60। और भी वर नंबर 12 पर आते हैं सुनील शेट्टी, जिन्होंने 102 मूवीज में काम किया, 32 मूवीज इनकी फ्लॉप और 33 मूवीज डिजास्टर रही, टोटल फ्लॉप डिजास्टर मूवीज की तादाद बनी इनकी 65, यानी 65 फ्लॉप डिजास्टर मूवीज दी हैं। और 90s के एरा में अगर देखा जाए तो सुपरस्टार की हैसियत रखते थे सुनील शेट्टी, लेकिन यहां पर 12 नंबर पर हैं फ्लॉप डिजास्टर के मामले में सुनील शेट्टी। और वीवन नंबर 11 पर आते हैं शमी कपूर सर, जिन्होंने 124 मूवीज़ में काम किए, जिनमें से उनकी 50 मूवीज़ फ्लॉप और 16 डिजास्टर रही, और इस तरह उनकी टोटल फ्लॉप डिजास्टर मूवीज़ की तादाद बनी 66, यानी 66 फ्लॉप डिजास्टर मूवीज़ दी हैं शमी कपूर सर ने। और व्यूअर अभी आपको स्क्रीन पर शमी कपूर से लेके सनी देओल तक इन स्टार एक्टर ने कितनी टोटल मूवीज में काम किया है, कितनी फ्लॉप कितनी डिजास्टर दिए हैं और टोटल फ्लॉप डिजास्टर की तादाद क्या है, ये आप स्क्रीन पर आराम से देख रहे होंगे। और व्यूअर अब हम बढ़ते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में टॉप 10 फ्लॉप डिजास्टर मूवीज देने वाले एक्टर्स की तरफ। तो नंबर 10 पर हैं संजय दत्त, जिन्होंने 126 मूवीज में काम किया, 50 मूवीज फ्लॉप और 24 डिजास्टर रही, टोटल फ्लॉप डिजास्टर मूवीज की तादाद रही 74, यानी 74 मूवीज उन्होंने फ्लॉप डिजास्टर दी है। नंबर 9 पर हैं नवीन निश्चल, जिन्होंने 106 मूवीज में काम किया, 52 मूवीज फ्लॉप 22 डिजास्टर दी और इनकी भी टोटल फ्लॉप डिजास्टर की मूवीज की तादाद है 74। और वीवर नंबर 8 पर हैं गोविंदा, चीची भैया ने 133 मूवीज में काम किया, 45 मूवीज इनकी फ्लॉप और 34 मूवीज इनकी डिजास्टर रही और इनकी टोटल फ्लॉप डिजास्टर की तादाद रही 79, यानी 79 इन्होंने फ्लॉप डिजास्टर मूवीज दी हैं। और वीवर नंबर 7 पर हैं ऋषि कपूर सर, जिन्होंने 134 मूवीज में काम किया, 60 मूवीज इनकी फ्लॉप रही, 22 मूवीज डिजास्टर और टोटल फ्लॉप डिजास्टर मूवीज की तादाद रही 82, यानी 82 मूवीज इनकी फ्लॉप डिजास्टर रही हैं। और वीवर नंबर 6 पर हैं विनोद मेहरा, जिन्होंने 173 मूवीज में काम करने वाले इस एक्टर ने 82 मूवीज फ्लॉप दी हैं और 6 मूवीज इनकी डिजास्टर रही, इस तरह इनकी फ्लॉप डिजास्टर की तादाद बनती है 88, 88 फ्लॉप डिजास्टर मूवीज दी हैं विनोद मेहरा ने। और वीवर नंबर 5 पर हैं जितेंद्र सर, जिन्होंने 211 मूवीज में काम किया, 82 मूवीज इनकी फ्लॉप रही, 18 डिजास्टर रही और 211 में से इनकी 100 मूवीज फ्लॉप डिजास्टर करार दी गई। और व्यूअर नंबर 4 पर है शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने 192 मूवीज में काम किया, 192 मूवीज में काम करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने 93 मूवीज फ्लॉप और 15 डिजास्टर दी है, तो इस तरह फ्लॉप डिजास्टर की इनकी तादाद बनती है 108। और नंबर 3 पर आते हैं जेकी श्रॉफ, जिन्होंने 169 मूवीज में काम किया, जिनमें से उनकी 64 मूवीज फ्लॉप, 51 मूवीज डिजास्टर रही और उनकी टोटल फ्लॉप डिजास्टर मूवीज की तादाद बनती है 115, 115 फ्लॉप डिजास्टर मूवीज देने वाले एक्टर हैं जैकी श्रॉफ। और नंबर 3 पर हैं, और नंबर 2 पर हैं धर्मेंद्र सर, जिन्होंने 251 मूवीज में काम किया, जिनमें से 80 मूवीज इनकी फ्लॉप, 41 मूवीज डिजास्टर रही हैं और टोटल फ्लॉप डिजास्टर मूवीज की तादाद बनती है 121, यानी 121 फ्लॉप डिजास्टर मूवीज दी हैं 251 मूवीज में धर्मेंद्र सर ने। और व्यूअर यहां पर नंबर 1 पर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती सर, जिन्होंने 334 मूवीज में काम किया, 334 मूवीज में से इनकी 109 मूवीज फ्लॉप और 57 मूवीज डिजास्टर रही और टोटल फ्लॉप और डिजास्टर की तादाद बनती है 166, 166 मूवीज फ्लॉप और डिजास्टर दी हैं 334 मूवीज में से मिथुन चक्रवर्ती ने, और फ्लॉप डिजास्टर के किंग भी साबित हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती। यूं समझ लें कि एक एक्टर अपने कंप्लीट करियर में इतनी मूवीज नहीं करता जितनी मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कंप्लीट करियर में फ्लॉप डिजास्टर दी हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगा। और आपका फेवरेट एक्टर आज की इस लिस्ट में कौन से नंबर पर मौजूद है, कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्टर का नाम मेंशन करना न भूलिएगा।
तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल मैसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।